बिग मिसकंसेप्शन कि अगर आप ऑथेंटिक हो जाओगे तो चीजें आपके विरुद्ध जाने लगेंगी। पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट, टू विन द लार्जर वॉर इफ यू हैव टू लूज 2-3 बैटल्स इट्स ऑल राइट बिकॉज सून यू विल सी मोस्ट ऑफ द कॉर्पोरेट विल स्टार्ट टू रिस्पेक्ट ऑनेस्टी एंड ऑथेंटिसिटी वे मोर। सून यू विल स्टार्ट टू सी दैट बिकॉज दैट चेंज इज कमिंग नाउ। इफ योर बॉस इज वेरी झूठा बनावटी, मजा आएगा उसके साथ काम करके? नहीं आएगा। यू आर अ बॉस, यू आर अ झूठा, यू आर अ बनावटी, यू आर वेरी डिप्लोमेटिक एज दिस, आपके सबॉर्डिनेट्स को मजा आएगा, टीम को मजा आएगा काम करके? नहीं आएगा। तो स्ट्रगल विल एक्सपैंड, स्ट्रगल्स विल नॉट रिड्यूस। हर समय दिमाग में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी, इस सिचुएशन में हाउ डू आई प्रोट्रे माइसेल्फ। बी हु यू आर एंड सी द मैजिक। कैन यू नेम अ ग्रेट लीडर हु इज वेरी फियरफुल? अ राइटियस ग्रेट लीडर हु इज वेरी फियरफुल? नहीं, नेम आप नहीं दे पाओगे नाम मुझे, बिकॉज दैट्स द फर्स्ट क्वालिटी टू बी अ ग्रेट लीडर, दैट यू आर वेरी फियरलेस, नंबर वन। तो ये जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, इट्स कमिंग फ्रॉम द फियरफुलनेस एटीट्यूड। डीपली नीड टू वर्क ऑन दिस, दिस इज पार्ट ऑफ द डीप वर्क, दिस इज पार्ट ऑफ द डीप वर्क। इसको टैकल करने के बहुत सारे तरीके हैं, अभी उसमें नहीं जाते। पॉइंट नंबर टू, व्हेन यू स्टार्ट टू डू डीप वर्क, द फर्स्ट आउटकम इज योर वाणी विल स्टार्ट टू बिकम वेरी प्योर, वेरी मैग्नेटिक। उस वाणी के साथ जब आप अपने बॉस को बोलोगे ना कि बॉस ये ठीक नहीं है यार, मुझे लग रहा है इधर काम, यू विल नो द वेज टू पुट अक्रॉस योर पॉइंट इन अ वे विच डज नॉट हर्ट और इंट्रूड द अदर, बट मैसेज इज डिलीवर्ड। फियरलेसनेस का ये मतलब नहीं होता तलवार निकाल के योर ब्रूटल ऑल द टाइम, बॉस तुमने ये गलत किया, काट दी गर्दन। इट डजंट मीन दैट, इट मीन्स व्हाट यू स्टैंड फॉर, जो आपका वैल्यू सिस्टम है, यू आर एबल टू पुट दैट अक्रॉस। And whatever is not matching with that value system, you're very fearlessly, but in a pleasing way or accepting way, you are able to put that across. Because iska bhi ek tatva hai. Agar mera boss kuch value system ke hisab se sahi nahi kar raha, mera objective kya hai yahan pe? Usko ye batana ki tum chor ho, ya usko ye batana there is an improvement area. So objective normally ye hota hai to prove the other person wrong. रॉन्ग ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो है ही नहीं। ऑब्जेक्टिव ये था, लेट मी लुक एट दिस सिचुएशन, सर मुझे इस सिचुएशन में ये प्रॉब्लम दिख रहा है, प्लीज गिव मी योर पर्सपेक्टिव, शायद मुझे पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा, लेट मी हियर हिम आउट। सो वाणी की शुद्धता आने लगती है एंड यू आर एबल टू हैंडल ऑल ऑफ दीज सिचुएशंस वेरी इजीली विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन योर ऑथेंटिक सेल्फ और वैल्यू सिस्टम। करके देखो, ये बड़ा मजेदार क्लासेस है। लास्ट थिंग ऑफ दिस, now this is again a mystical wisdom I'm going to share with you, the more authentic you become in your life's conduct, the more energy will be released in you and it will give more strength to your willpower. Aapki authenticity directly linked hai aapki willpower se. Aap jitna inauthentic hoge, aapki willpower utni lose hoti jayegi. Your confidence level, your willpower will start to become weaker. जितना इनऑथेंटिक हो गए, इट्स अ ब्यूटिफुल रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू। और जितना आप सीधा चलोगे, उतना विल पावर और बढ़ता जाएगा। इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दिस इज मैजिकल। इफ यू ट्राई दिस, इट कैन चेंज योर लाइफ। जस्ट दिस वन प्रिंसिपल कैन ट्रांसफॉर्म योर लाइफ।